हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही टेस्टी हेल्दी मूंग दाल के डोसे, जो बहुत ही हेल्दी बनने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने लिए है 1 कप मूंग दाल और 1 कप चावल। तो मैं मूंग दाल और चावल से दोनों से मिला के डोसा बनाऊंगी और ये बहुत ही टेस्टी डोसा बनने वाले हैं। तो देखिए, मैंने 2 घंटा पहले मूंग दाल भिगो दी थी और 2 घंटा पहले चावल भिगोए थे, तो दाल थोड़ी ज़्यादा फूलती है इसलिए दाल थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है। पर चावल इतने नहीं फूलते, वो आपको भी मालूम है, इसलिए ये चावल थोड़े कम दिख रहे हैं। तो इन्हें मैं पीस लेती हूँ पहले। तो हम इनको अलग अलग पीसेंगे। पहले पीसेंगे चावल को, इनका पानी निकाल लेती हूँ मैं। और चावल को हम डाल रहे हैं मिक्सी जार में। तो यहाँ पे मैंने सभी चावलों को मिक्सी जार में डाल लिए हैं। इनको मैं पीस लेती हूँ थोड़ा सा पानी डाल के, और बारीक पेस्ट बनाएंगे हम। तो यहाँ पे मैंने पीस लिया है, इस तरीके का पेस्ट बनाया है, ज़्यादा पतला नहीं करना है। अब मैं पीस लेती हूँ दाल को। तो दाल का भी मैंने पानी निकाल दिया है और मिक्सी जार में रख भर लिया है। और दाल को मैं 2 बार में पीसूँगी, एक साथ में नहीं आ रही है। तो देखिए, ये मैंने दाल पीस ली है। आप कोई सी भी दाल का बना सकते हो डोसा, लेकिन इसका बनाएंगे तो थोड़ा कलर पीला पीला आएगा, उसका बनाएंगे तो हरा कलर आएगा, छिलके वाली मूंग दाल से बनाएंगे तो। तो इसे मैं अच्छे से मिला लेती हूँ। अब मैंने अच्छे से मिला लिया है और इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ अब 1 चम्मच बेसन। तो बेसन से हमारे डोसे और भी टेस्टी बनेंगे, इसलिए मैं बेसन ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हो। और इसे भी मैं अच्छे से मिलाऊंगी। तो ये अच्छे से मैंने मिला लिया है और इसे मैं अब 20 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दूंगी। 20 मिनट में हमारा डो अच्छे से फूलेगा, क्योंकि हमने इसे 2 घंटे के लिए दाल भिगोई थी। और आप चाहे तो इसे तुरंत भी बना सकते हो, लेकिन मैं 20 मिनट के लिए रेस्ट पर रखा है। अब मैं यहाँ बना रही हूँ चटनी। तो मैंने यहाँ पे लिया है कच्चा नारियल। आप चाहे तो यहाँ पे खोपरे का जो गोला आता है वो भी ले सकते हो, या खोपरे का बुरादा भी ले सकते हो, उससे भी चटनी बहुत अच्छी बनती है। और ये मैंने लिए मूँगफली, इनका सेक के छिलका उतार लिया है। अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पर लहसुन। लहसुन को भी आप सेक सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर नहीं सेका है, ऐसे ही डाला है। और 2-3 हरी मिर्ची डाली है मैंने, मतलब 2-3 टुकड़े डाले हैं। और इसके मैंने पेस्ट बना लिया पानी डाल के। अब हम इसमें लगाएंगे तड़का। तो मैं यहाँ डाल रही हूँ स्वाद के अनुसार नमक, और इसमें मैंने लगा दिया तड़का। तो मैंने जीरा राई का 1 चम्मच तेल डाल के छोंक लगाया है। तो चटनी हमारी बन गई है। अब देख लेते हैं हम बैटर को। तो देखिए, हमारा बैटर पहले से काफ़ी सपूत हो गया है। और इसमें मैंने डाला है स्वाद के अनुसार नमक, और नमक को भी अच्छे से मिलाएंगे। तो इसे मैं थोड़ी देर साइड में रख देती हूँ और मैं बना लेती हूँ यहाँ पे टमाटर की बहुत ही टेस्टी चटनी। तो मैंने 1 चम्मच तेल लिया है, 1 चम्मच उड़द दाल डाली है, 1 चम्मच मैंने डाली यहाँ पे मसूर दाल, और यहाँ पे मैंने लिए 2 टमाटो। तो इस तरीके से बारीक बारीक काट लिए है, और इन्हें मैं 2 मिनट फ्राई करूँगी, जिससे क्या थोड़ा नरम हो जाएंगे ये। और अब इसमें मैं डालूँगी यहाँ पर 4-5 लहसुन की कली। और देखिए, हमारे टमाटर पहले से काफ़ी पक चुके हैं। अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक, थोड़ा सा हल्दी, मतलब चुटकी भर, क्योंकि हल्दी हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तो हमारी चटनी पीली पीली हो जाएगी। और ये मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच नींबू का रस। आप चाहे तो यहाँ पे 1/2 चम्मच दही डाल सकते हो, या फिर इमली का रस भी डाल सकते हो। थोड़ा सा पानी में भिगो के उसको निकाल के, उससे भी हमारी चटनी बहुत ही अच्छी बनती है। तो देखिए, यहाँ पे अच्छे से पक गए हैं। मैंने गैस बंद कर दिया है और इसे ठंडी करके मिक्सी में पीस के इसमें छोंक मार लिया है। तो चटनी हमारी तैयार है। तो अब चलते हम गैस की तरफ डोसा बनाने के लिए। यहाँ पे मेरा तवा अच्छे से गर्म हो गया है। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा पानी के छींटे मारे और गीले कपड़े से साफ़ कर दिया अच्छे से। अब हमने लिया यहाँ पे मूंग दाल का बैटर, और इसे इस तरीके से घुमाएंगे, ज़्यादा दबाना नहीं है, नहीं तो डोसा ऊपर आ जाएगा चिपक के। और मैंने यहाँ पे कटोरी ली है, आप चाहे तो यहाँ पे चम्मच भी ले सकते हो, सब्जी बनाते जो बड़ी वाली, उससे भी बहुत ही अच्छे डोसे बनते हैं। और देखिए, हमारे डोसे में पहले से कलर भी चेंज हो गया है, पीला पीला आ गया है। मैंने यहाँ पे डाला है तेल, और कलर कितना अच्छा है, एकदम ब्राउन कलर, और साइड से भी निकल गया अपना आप ही, ये बिल्कुल भी नहीं चिपका है। देखिए यहाँ पे इस तरीके से, तो ये डोसे बहुत ही अच्छे बने हैं। अब इसे हम निकाल लेंगे।
मैं हाथ से इसलिए निकाल रही हूँ कि बहुत कड़क डोसे बने हैं और मुझे कड़क ही बनाने थे। यदि आपको थोड़े नरम बनाने हैं तो इसमें पोया भी डाल दें मूंग दाल में भिगोते समय। अब दूसरा डोसा भी मैं इसी तरीके से बना लूँगी, तो मैं आपका ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करूँगी, सिर्फ मैं एक ही डोसा और बना के बता देती हूँ आपको। तो यहाँ पे मैंने वापस बैटर लिया, इस तरीके से हम फिर से घुमाएंगे और हमारा डोसा बहुत ही अच्छा बन गया है। अब हम डालेंगे इसके ऊपर थोड़ा सा तेल और अब मैं निकाल लेती हूँ इसको और आपको मैं बता भी देती हूँ कि कितना अच्छा डोसा बना है, एकदम कड़क कड़क। तो यहाँ पे हमारा गर्मा गर्म डोसा बन के हो गया तैयार। मैंने साथ में टमाटर की चटनी, नारियल की चटनी बनाई है। और आप मेरे चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बाजू में जो घंटी है उसे ज़रूर बजाएं, जिससे क्या सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। और आपको मेरे डोसे की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स करके ज़रूर बताना। बाय बाय, टेक केयर।